हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होगे, अर्टिगा गाड़ी है हमारे पास ये, और इसके अंदर हिल होल्ड की लाइट आ गई है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये लाइट इसके अंदर आ चुकी है। गाड़ी स्टार्ट टाइम भी ये लाइट इसके अंदर आ रही है। तो चलिए मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ अभी। तो मैंने गाड़ी ये स्टार्ट कर दी है और इसके अंदर ये लाइट परमानेंट जल चुकी है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये हिल होल्ड क्या क्या काम होता है गाड़ी के अंदर, ये क्या काम करता है, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी चढ़ाई होगी वहां पे काम करता है, क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ाते हैं और हमें गियर चेंज करना पड़ता है, तो उस टाइम ये 2 सेकंड के लिए अपने आप ही गाड़ी को होल्ड करके रखता है, गाड़ी स्लिप होने से बचाता है, गाड़ी बैक होने से बचाता है, ताकि गाड़ी वापिस ना आ सके। तो उस कंडीशन में काम करता है हिल होल्ड। तो इस गाड़ी के अंदर ये परमानेंट ही लाइट जल चुकी है। तो चलिए अभी देखते हैं, स्कैन करके मैं अपना सिस्टम इसके अंदर लगा रहा हूँ अभी। तो अभी मैंने अपना स्कैनर इसके अंदर लगा दिया है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो अभी स्कैन करके देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, जैसे हमने स्कैन किया है, इसके अंदर बहुत सारे कोड आ रखे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री में भी, और जो हमें हिस्ट्री वालों को छोड़ देना है यहाँ पे, हमें करंट वालों पे काम करना है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट में आ रहे हैं हमें उन्हीं पे काम करना है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास 2 आ रहे हैं, ये ESP का स्टेयरिंग एंगल सेंसर का कोड आ रहा है यहाँ पे, और यार रेट सेंसर सर्किट का परफॉर्मेंस, ये ESP के दोनों कोड हमारे पास आ रहे हैं। तो चलिए अभी हम इसका एंगल सेंसर चेक करते हैं, जो कि स्टेयरिंग के अंदर लगता है, और हमें सबसे पहले उसके लिए ये पूरा खोलना पड़ेगा एयरबैग, और इसके नीचे एंगल सेंसर लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए मैं अभी आपको एंगल सेंसर खोल के दिखाता हूँ इसका। तो मैं भी जो हिस्ट्री के कोड है वो यहाँ से क्लियर कर दूंगा, जो करंट में है वो कोड वो क्लियर नहीं होगी, वो जब इसका काम हो जाएगा, जो इसके अंदर फॉल्ट है वो क्लियर होने के बाद ही करंट के फॉल्ट इसके अंदर से जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कोड क्लियर हो चुके हैं जो हिस्ट्री के अंदर थे। ESP इसका काम नहीं कर रहा है, हिल होल्ड करके जो काम करता है वो फंक्शन, वो इसका काम नहीं कर रहा है फिलहाल। तो चलिए अभी हम इसके अंदर जो इसकी एंगल सेंसर होता है उसकी हम कैलिब्रेशन करेंगे सिस्टम के थ्रू। तो अभी दोस्तों हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है कैलिब्रेशन करने के लिए। हम इस स्टीयरिंग एंगल सेंसर की कैलिब्रेशन करेंगे हम यहाँ से। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से कंडीशन हमारे सामने आई है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेंसर कैलिब्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें स्टार्ट पे जाना है। तो कुछ कंडीशन है इसकी, जैसे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, ये होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, इग्निशन ऑन होना चाहिए, इंजन स्टॉप होना चाहिए, पार्किंग ब्रेक ऑफ होना चाहिए, और व्हीकल जो है वो बिल्कुल लेवल पे खड़ा होना चाहिए, ऊंचे नीचे पे नहीं होना चाहिए, और स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और ब्रेक पैंडल भी ऑफ होना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है द सेंसर कैलिब्रेशन हैज बीन ऑलरेडी डन ऑन दिस व्हीकल, डू यू ट्राई अगेन। तो हमारी कैलिब्रेशन इसकी पहले ही हो रखी है, तो कैलिब्रेशन की इसके अंदर जरूरत नहीं है, हमें इसके अंदर कॉन्टैक्ट कोयल ही डालनी पड़ेगी, नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट कोयल के अंदर ही इनबिल्ट आता है एंगल सेंसर। तो चलिए अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट कोयल खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, उसी के अंदर एंगल सेंसर होता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जिस तरीके से हमें करके यहाँ से 3 लोग हटा देने हैं इसके एयरबैग के, तो इस तरीके से हमारा ये बाहर आ जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे एयरबैग की यूनिट बाहर आ चुकी है, 3 लोग होते हैं हमारे इसमें ऐसे करके, तो हमें ये बाहर कर लेना है यहाँ से भी। कुछ इस तरीके से हमारा ये लॉक अनलॉक हो चुका है यहाँ पे, और हमें इसे उठा देंगे यहाँ से अब। ये हमारे एयरबैग की यूनिट बाहर आ चुकी है, और यहाँ पे अंदर एक एंगल सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे अंदर। ये कॉन्टेक्ट कोयल है हमारी, जो ब्लैक कलर की आपको राउंड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये कॉन्टेक्ट कोयल का ये राउंड है, और इसी के नीचे जस्ट बिल्कुल
एंगल सेंसर लगा हुआ होता है। तो चलिए मैं भी आपको पूरा व्हील खोल करके दिखा रहा हूँ। व्हील खोलने के बाद ही आपको क्लियरली दिखाई दे पाएगा एंगल सेंसर। तो हमने स्टीयरिंग व्हील यहाँ से नट खोल दिया हमने, और ये कॉन्टेक्ट कॉल में से हमने वाला सर्किट भी रिमूव कर दिया है। तो अभी हम इसको स्टीयरिंग व्हील को बाहर करेंगे हल्के से हिला करके। तो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील बाहर आ चुका है। एंगल सेंसर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है जैसे ही आप देख पा रहे हो, तो मैं आपको क्लियरली बिल्कुल बाहर करके ये दिखाऊंगा। तो मैंने पूरा ये बाहर कर दिया यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा एंगल सेंसर होता है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे होगे। ये आगे का हिस्सा कॉन्टेक्ट कॉइल का होता है, और बाकी जो नीचे का ये बड़ा सा हिस्सा आपको जो लंबा सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एंगल सेंसर। तो इसी के वजह से हमारी जो ESP की लाइट इसके अंदर आ रही है, ये वाली लाइट जो हमारी इसके अंदर जल रही है वो इसी के वजह से जल रही है, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, ये डिफेक्टिव हो चुकी है। अंदर से कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, और हील होल्ड का फंक्शन भी इसका काम नहीं कर पा रहा है। तो चलिए अभी हम इसको दूसरी लगाएंगे, हम इसको नहीं लगा देंगे। तो फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर फॉल्ट आ रहा है अभी भी या नहीं आ रहा है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। और ये हमारी पुरानी कॉन्टेक्ट कॉइल है, और नई कॉन्टेक्ट कॉइल हमारी यहाँ पे लग चुकी है। नई कॉन्टेक्ट कॉइल की फिटिंग हो चुकी है, और इसके जो प्राइस है ₹3435 की कॉन्टेक्ट कॉइल है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये कॉइल, और हमारी जो स्टीयरिंग के इसकी जो लाइट आ रही थी वो भी क्लियर हो चुकी है। तो मैं भी आपको पूरी फिटिंग करने के बाद मैं इसको भी दिखा रहा हूँ। फाइनली पूरी फिटिंग हो चुकी है यहाँ पे। एयर बैग की यूनिट हमें अभी इसके अंदर लगानी है बस, और मैं फिर गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको ये। फाइनली दोस्तों गाड़ी रेडी हो चुकी है बिल्कुल, और कोई लाइट इसके अंदर नहीं आ रही है। मीटर में अभी भी कोई लाइट नहीं आ रही है। तो हमारा प्रोसेस जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कॉन्टेक्ट कॉइल हमने इसके अंदर नहीं डालने के बाद वो हमारा काम हो चुका है। पुरानी कॉन्टेक्ट कॉइल ये इसके अंदर पुरानी कॉन्टेक्ट कॉइल है, और अभी हमने इसके अंदर पूरी फिटिंग कर दी है। पूरी हर चीज़ इसकी काम कर रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।